हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे चैनल में। आप सब ठीक ही होंगे, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज है करवा चौथ है, तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। ये हाथ में मैंने मेहंदी लगा लिया है, और तो अभी शाम का 4 बज रहा है, तो अभी चल रहे हैं। तो ये देखो, मैंने मेहंदी एक हाथ में लगाया था और ये एक हाथ में मेरे हस्बैंड लगाए थे। आप देख सकते हो, ये घुचर मुचर कर दिए तो अभी मैं चल रही हूँ प्रसाद वरसाद बनाने, मतलब खाना वाना बनाने के लिए। तो चलते हैं किचन में, और वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं किचन में। फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने किचन में वो उस चूल्हे पे मैंने रखा है चना उबलने के लिए, और चना हमारा उबल रहा है। और इस कढ़ाई पे, मतलब इस चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, हलवा उसमें बनाऊंगी। और मैंने दाल चावल बना लिया है, क्योंकि मेरा व्रत है, मैं तो नहीं खाऊंगी लेकिन मेरे घर वाले तो खाएंगे। वैसे भी चांद देखने के बाद मैं भी खा लूँगी, तो इसीलिए मैं छोला बना रही हूँ और हलवा बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी। तो इधर मैं अच्छे से वो मतलब तेल को घी डाला है, तेल नहीं डाला है, तेल भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, रिफाइंड भी डाल सकते हो। तो जब मेरे पास घी था तो मैंने घी डाल दिया, और थोड़ी देर बाद मैंने सूजी को डाल दिया और अच्छे से चला दे रही हूँ। जब तक लाल हो जाएगा, मतलब जलने लगेगा, तो गोल्डन कलर हो जाएगा, तब भी पानी डालूंगी। तो अभी देखो पानी मैंने नहीं डाला है, अच्छे से चला रही हूँ। और चलाते मतलब थोड़ा थोड़ा देखो कलर आ गया था, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया, और पानी ढेर सारा डाल दिया था क्योंकि सूजी भी ढेर सारा ही लग रहा था। तो थोड़ी देर बाद मैंने चीनी भी डाल दिया, तो ये हमारा सूखने लगा था, तो उसी में मैं थोड़ा सा गरी डाल दूंगी। और मुझे गरी अच्छा लगता, वो ये किशमिश, ये बादाम वादाम अच्छा नहीं लगता, गरी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए गरी ही डाली। तो ये मैं पूड़ी मतलब बना रही थी, थोड़ा सा ही पूड़ी बनाना था, ज़्यादा पूड़ी नहीं खाते, और चढ़ाना भी था इसीलिए, तो मैं पूड़ी बना रही थी। और ये मैंने मैदे का पूड़ी बनाया है, गेहूं के आटे का नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने गेहूं का आटा साफ़ से नहीं रखा था, क्योंकि चढ़ाया जाता है साफ़ आटे का ना, इसीलिए साफ़ आटा नहीं रखा था। तो मैंने मैदा खरीद के उसकी पूड़ी बना लिया है। और अब चलते हैं हम लोग सब्जी बनाने। तो यहाँ मैं छोले मतलब छोले बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और लहसुन और अदरक को अच्छे से खून ली थी उसको मैंने डाल दिया है, और थोड़ी देर के बाद मैंने प्याज डाल दिया है, और थोड़ा सा मतलब मिर्चा का बारीक कटा हुआ डाल दिया था, और अच्छे से चला ले रही हूँ अच्छे से। तो अच्छे से चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा प्याज को गोल्डन होने लगता है, तो मैं टमाटर डाल दी थी, तो टमाटर को अच्छे से मैंने पका लिया था और तोप दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर खोल के उसी में मैंने नमक, हल्दी, गरम मसाला और सब मसाला मतलब, और काश्मीरी लाल मिर्च सब डाल दिया था अच्छे से, और पानी को डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डाली थी क्योंकि सूखा ही बनाना था, इसीलिए ज़्यादा पानी नहीं डाली। तो उसको मैंने अच्छे से चला लिया था, तो ये मैंने फिर से पानी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देखो अभी भी मतलब ज़्यादा पतला नहीं है, मोटा ही है। उसके बाद मैं चना डाल दूँगी, और चने को अच्छे से मैं चला लूँगी, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा तो मैं उतार अभी लूँगी। मैं खाना वाना बना के आ गई हूँ और सारे काम कर ली हूँ, पूजा का सारे काम मतलब अच्छे से निकाल ली हूँ। और आप देख सकते हो, अभी मैं नॉर्मल कपड़ा पहनी हूँ और मैं चल रही हूँ अभी नहाने, और नहा के पूजा उजा करना है इसीलिए। तो मिलते हैं नहाने वहाने के बाद, और वीडियो पूरा देखना, और मिलते हैं नहाने के बाद। और मैं इधर पूरा सामान रख ली हूँ पूजा करने वाला, तो चल रही हूँ नहाने, ठीक है? फ्रेंड्स, अभी मैं तैयार हो गई हूँ, और आप सब कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और ये वाला भी मैंने कभी पहना नहीं था, तो मेरा बहुत मन कर रहा था पहनने के लिए। तो ये और ये मैंने सब मीशो से ऑर्डर किया है, आप सब भी मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं।
तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनली लुक। तो देखो मेरा पूरा लुक, तो मेरा लहंगा है। तो चलते हैं पूजा करने, ठीक है? तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, और ये मैंने जो लोटे में थोड़ा सा वो रहता है, तो उसी लोटे में मैंने गिन के 11 गेहूँ डाल दिया है, और उसी पे मैंने दिगली रख के और घी डाल के उसमें मतलब जला दिया है, और दूसरे में भी ऐसे ही जला दिया। तो उतना मैं नहीं जानती हूँ कैसे पूजा किया जाता है, पर क्योंकि मेरी मम्मी भी मतलब मेरी सासू मम्मी भी व्रत नहीं रखती हैं, तो उनको भी नहीं पता है, और मैं भी मतलब इसे धीरे धीरे मुझे भी पता हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 5 फल लिया था, संतरा ले लिया था, और सेब, और मतलब केला वाला सब ले लिया था, और एक नारियल ले ली थी, सब चढ़ा दी थी, और आम का पत्ता ले लिया था, और यहाँ मैंने अगरबत्ती मतलब जला दिया था, और फूल वूल भी चढ़ा दिया था, और ये मैंने चलनी और वो सब मैंने डेकोरेट किया था अपने हाथ से ही। आप सब डेकोरेट किया हुआ भी ले सकते हैं। तो मतलब ये मैं चल रही थी, मतलब पूजा कर रही थी, वो मीठा उठा जब वो जो सोरह सिंगार होता है सब चढ़ाया जाता है, तो मैं छोटा छोटा ही ली थी, क्योंकि ख़राब ही होता है बाद में, तो इसीलिए मैंने छोटा छोटा सब ले लिया था, छोटा छोटा सब मिल जाता है, तो इसीलिए मैं ले ली थी और उसको चढ़ा दिया था, और उसके बाद सिंदूर उंदूर लगा दी थी, और चुनरी भी उड़ा दी थी, और मिठाई उठाई भी मतलब मिठाई उठाई भी चढ़ा दिया था। और तब उसके बाद मैं जा रही थी वो पढ़ने, मतलब आरती पढ़ने जा रही थी, तो आरती जब मैं पढ़ रही थी उसके पहले ही चाँद निकल गया था, और जब मैं पूजा कर रही थी उसके पहले ही चाँद निकल गया था, लेकिन बाद में हम लोग किए, और मुझे नहीं पता था कैसे चाँद वाद देखते हैं मतलब विधि, तो लेकिन मैंने फिर भी मतलब कर लिया था कैसे, उसको मैंने पानी नीचे चाँद को आरती दे के लगा दिया था, और मतलब ऐसे ही कर ली थी। तो ये मतलब सिंदूर मेरी बहन बता रही थी सिंदूर लगाया जाता है, तो तब की मुझे उतना याद नहीं था, तब की नहीं लगाए थे लग रहा था, मुझे याद नहीं है, तो ये मुझे सिंदूर लगा रहे थे, और ये मैंने देखा था किसी को, कोई मुझे बताया था कि तीन बार घूमा जाता है, तो ये मैं 3 बार घूमी थी, क्योंकि मुझे उतना नहीं पता था, इसीलिए मैं मतलब पूछ के ही मतलब की थी पूजा। तो ये मैंने चाँद में चलने देख के मतलब अपने हस्बैंड को देख ली थी, और ये मुझे पानी पिला रहे थे, और पूछ रहे थे सारा पिला दो कि थोड़ा ही पिलाओ। फ्रेंड्स, अभी मैं मतलब पूजा वूजा करके सब करके आ गई हूँ, और मुझे अब बहुत ही भूख लग रही है, और मैं फ़ोन पकड़ी हूँ ना तो मेरा हाथ कांप रहा है, क्योंकि भूख लगता है ना तो कांपता है, कमजोरी जैसा होता है, तो इसलिए मैं चल रही हूँ अभी खाना खाने। और आप सब वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, और तो चल रही हूँ खाना खाने, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये वाला विधि मैंने पहली बार बनाया, ये मेरे नाक पे देखो सिंदूर उंदूर लग गया है, वो लगा रहे थे ना मेरे हस्बैंड, इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।